नमस्कार दोस्तों, यात्राएं जिंदगी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं हैदराबादी चिकन हरियाली। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं हम चिकन हरियाली। शुरू से अंत तक जुड़े रहिए मेरे वीडियो में। चिकन हरियाली बनाने के लिए हमने आधा किलो चिकन लिए हैं, 100 ग्राम धनिया पत्ता लिए हैं, 100 ग्राम दही लिए हैं, 50 ग्राम पुदीना पत्ता लिए हैं, एक गांठ लहसुन लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिए हैं, 6 हरी मिर्च लिए हैं, 50 ग्राम काजू लिए हैं, 50 ग्राम मगज लिए हैं, 2 नींबू लिए हैं। हम सारे चीज़ों को पीस लेते हैं मिक्सी जार में लेके, उसके बाद चिकन को हम ये करेंगे मेरीनेट करेंगे। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। पहले हम पिसा हुआ मसाला और दही को डाल दिए। हम नींबू का रस हम निचोड़ के इसमें डाल देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं, ज्यादा हल्दी नहीं देना है, थोड़ा सा ही, स्वाद अनुसार नमक और सारी चीजों को अच्छा से मिला लेना है। सारे चीजों को अच्छा से मिला लिए हैं। अब इसे 1 घंटा के लिए फ्रिज में हम ढक के रख देते हैं। हमने 150 ग्राम प्याज लिए हैं, प्याज पहले छील के रखे थे, अब हम इसको कद्दूकस कर लेते हैं। आप चाहे तो बारीक से काट भी सकते हैं, हम कद्दूकस कर ले रहे हैं। सारे प्याज को हमने कद्दूकस कर लिए हैं। गैस को ऑन कर लिए हैं। अब इसमें हम घी डाल देते हैं। हम घी में बना रहे हैं, आप चाहे तो बटर में भी बना सकते हैं। हमने 100 ग्राम घी लिए हैं, ये घर में बनाया हुआ देसी घी है मेरा। अब हम इसमें सूखी मिर्च एक तोड़ के डाल दिए, 2 तेज पत्ता और इलायची और लौंग। अब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ प्याज को डाल देते हैं। इसको हम फ्राई कर लेते हैं ब्राउन कलर होने तक। प्याज हमारा ब्राउन कलर का हो गया है, देखिए। अब हम इसमें चिकन को ऐड कर देते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेना है और फ्राई करना है इसको ढक ढक के। धीमी आंच में पकाना है। इसे तब तक पकाते रहना है जब तक ये ड्राई ना हो जाए, ये ग्रेवी अच्छा से ही ना हो जाए, सूख ना जाए, तब तक इसे पकाना है। कढ़ाई से हैदराबादी चिकन हरियाली मेरा तैयार है। आप इसे रोटी या परोठा के साथ खा सकते हैं। बाहर में बारिश हो रही है, मेरे टुकटुकी देखिए बाहर में बारिश में भीग रहे हैं बैठ के। राजस्थान तो बारिश से वो आनंद ले रहे हैं। इस रेसिपी को आप घर में जरूर ट्राई करें, कैसे बनाए हैं कमेंट करके बताएं और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।